सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सके। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक नए फाइटर जेट के बारे में जो वो चीन की मदद से बना रहा है, और उसका मानना ये है कि उसका ये फाइटर जेट भारत को कड़ी टक्कर देने वाला है और ये राफेल के जवाब में बनाया जा रहा है। अब पहले तो पाकिस्तान ये डिसाइड कर ले कि वो राफेल का जवाब J-10 से देगा कि JF-17 से देगा। फिलहाल जो कुछ भी, आइए देख लेते हैं रिपोर्ट के बारे में। भारत के दो धुर विरोधी देश पाकिस्तान और चीन मिलकर के एक और फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन का ये फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का होगा और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा। दोनों देश पहले ही JF-17 नाम से एक तीसरी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट बना चुके हैं। हालांकि उसको फोर्थ जनरेशन कहा जाता है, लेकिन लक्षण से वो पूरा तीसरी पीढ़ी का जहाज ही माना जाता है। यही नहीं, चीन अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान के लिए कई युद्धपोत और किलर सबमरीन भी बना रहा है। जिन इन्फॉर्मेशन ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने JF-17 के नए संस्करण JF-17B थंडर का निर्माण शुरू कर दिया है। इस विमान को अप्रैल 2021 तक पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। चीन में पाकिस्तान के राजदूत मोइल उल हक ने कहा कि यह विमान पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती और भागीदारी का प्रतीक है। उसने कहा कि अब दोनों देश अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने पर काम कर रहे हैं। पीओके पर कब्जा जमाए पाकिस्तान के राजदूत ने कहा कि हम संप्रभुता, आक्रमण नहीं करने और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति का पालन कर रहे हैं। हम विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश में हैं। और बता दें कि भारत से जंग के लिए पाकिस्तानी नौसेना अपने सामरिक युद्धक ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तानी नौसेना के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने पिछले कुछ दिनों में कहा था कि वो अपनी महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण योजना के जरिए तकरीबन 50 से ज़्यादा युद्धपोतों को शामिल करेंगे, जिनमें से 20 से ज़्यादा प्रमुख जंगी जहाज होंगे। पाकिस्तान वर्तमान समय में अपने हथियार के लिए अपने दोस्त चीन और इस्लामी देशों के खलीफा बन रहे तुर्की पर निर्भर है। फिलहाल पाकिस्तान की नेवी को फ्यूचर में तुर्की से बहुत सारे जो जहाज़ हैं वो मिलने भी वाले हैं। लेकिन बात करें अगर JF-17B की, तो ये किस एंगल से पांचवी पीढ़ी का है पाकिस्तान पहले यही क्लियर कर ले। क्योंकि पहली बात तो JF-17 को लेकर के अभी जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से तकरीबन जो 40% इनके जहाज़ हैं वो ऑलरेडी ग्राउंडेड हो चुके हैं। उनमें स्ट्रक्चरल फेलियर देखा गया है, वहाँ पर स्ट्रक्चर में क्रैक देखे गए हैं, उनके जो कैनोपी है उसमें मेलफंक्शन देखा गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान का जो एयरक्राफ्ट है ना तो वो एरोडायनेमिकली ना ही उसका जो कंपोजिट मटेरियल है वो इस लायक है कि वो पांचवी पीढ़ी का जहाज़ बन सके। तो ऐसे में ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जो पाकिस्तान की तरफ से वायरल की जा रही है, क्योंकि JF-17 का जैसा बनावट है और जो उसमें कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं वो किसी भी एंगल से फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के नहीं हैं। इनफैक्ट डिफेंस एनालिस्ट तो इसे फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी नहीं मानते हैं। तो पता नहीं किस एंगल से ये रिपोर्ट सर्कुलेट की गई कि उसमें फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का उसको तमगा भी दे दिया गया। हालांकि जो डिज़ाइन सामने निकल के आई है अभी जो शुरुआत की, उसको देख के यही लगता है कि हाँ, अब पाकिस्तान एक फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में सफल हो चुका है। अब तमाम पाकिस्तानी आएंगे और हमें गाली देंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि आप खुद एक बार उसके स्ट्रक्चर पर गौर करिए और किसी भी दुनिया की फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को उठा करके उससे कंपेयर करिए। क्या आपको खुद लगता है कि वो एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है? क्या आपको ये लगता है कि वो जो कंपोजिट मटेरियल्स में यूज़ किया गया है वो रेडार वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकेगा? उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिलहाल जो कुछ भी हो, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जो 40% JF-17 है वो अलग अलग कारणों से ग्राउंडेड हो चुके हैं, जिनकी मेंटेनेंस में अच्छा खासा खर्चा पाकिस्तान को आने वाला है। हाँ, ये बात दूसरी है कि चीन जो अपना J-31 है वो पाकिस्तान को बेच सकता है निकट भविष्य में, तो वो एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर क्राफ्ट है, ये हम मानते हैं। लेकिन अगर बात JF-17 की जाएगी तो किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से एक उन्नत फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बन सकता है। और ये हम नहीं कहते, ये अलग अलग डिफेंस जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने समय समय पर इस चीज़ की घोषणा कर ही दी है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, जो एवियोनिक्स यूज़ हुई है उसमें, वो किसी भी एंगल से एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं हो सकती। आप किस पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।